जो है चलते हैं। बाकी तो डेफिनेशन मैंने आपको बताया ही हुआ है, वो आप देख लेंगे। तो इस पर्टिकुलर से सर्किट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा देखेंगे। ये वाला जो एक सर्किट दिख रहा है आपको, इस सर्किट में इस नेटवर्क में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। टर्मिनोलॉजीज को हम लोग एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद फिर वापस आके समझेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी दिया है, एक बोलता है पैसिव एलिमेंट, एक बोल रहा है ब्रांचेज, ये नोड्स क्या होते हैं, ये जंक्शंस क्या होते हैं, और मैश या लूप किसे कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग, और एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो वो डेफिनेशन तो यहाँ से देख लेंगे आप, मैं आपको डायरेक्ट बताता जाता हूँ। एक्टिव एलिमेंट इस पूरे नेटवर्क में अगर बोलें तो इस सोर्सेस, जो भी सोर्स लगे हैं E1 और E2, इसे हम एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। एक्टिव एलिमेंट उसे कहते हैं जो अपने आप में सप्लाई दे सकें, पावर दे सकें। जैसे मोबाइल आपका है, मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगा है वो आपका एक्टिव एलिमेंट है। बैटरी को अगर हटा दें तो फिर वो मोबाइल पूरी तरह पैसिव हो जाएगा, आपका काम नहीं करेगा। जैसे पंखा अभी चल रहा है और स्विच को अगर आप ऑफ कर देते हो, स्विच ऑफ करने के बाद जो पंखा है वो सिर्फ पैसिव रह जाएगा, उसमें कोई पावर नहीं है, पैसिव एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्टिव मतलब सोर्स और पैसिव मतलब इसमें जो भी ये एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जो भी लोड लगा हुआ है। तो रजिस्टेंसेज जो है वो पैसिव एलिमेंट है, और जो E1 और E2 जो है वो एक्टिव एलिमेंट है। समझ में आया क्या बोला मैंने? सर एक बार और एक्टिव बताइए। और पैसिव अगर बोलें तो किसको बोलेंगे? ये एक नेटवर्क है आपके पास, ये सर्किट है, दिख रहा है सभी को? यस सर। एक्टिव बोलेंगे E1 जो है, E1 और E2, ये किसका नाम दिया गया है? ये एक बैटरी लगा हुआ है DC का, ठीक है। ये जो है सिंबल पता है ना आपको, कि मैं बताऊं ये सिंबल को भी, ये प्लस और माइनस जो बैटरी का सिंबल होता है ना, ये बड़ा वाला जो है वो, बड़ा वाला जो इसमें लैग है वो प्लस साइन इंडिकेट करता है, छोटा वाला जो है वो माइनस को इंडिकेट करता है। आप वो जो घरों में बैटरी होते हैं ना, पेंसिल सेल लगाते हैं खिलौनों में, यस सर। तो उसका प्लस टर्मिनल ऊपर और ये नीचे जो है वो माइनस टर्मिनल, ऐसा समझ के चलिए, ठीक है। तो इसको आप बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट, जो कि सप्लाई या सोर्स प्रोवाइड करेगा इस पूरे नेटवर्क को। अगर ये दोनों बैटरी को हटा दे तो इसमें कोई करंट फ्लो होगा क्या इन रेजिस्टेंस में? नो सर। तो वो क्या कर दिया, अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब वो जो बचा हुआ नेटवर्क है वो पैसिव हो गया। तो अगर इस पूरे नेटवर्क के बोले तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस तीनों क्या है? पैसिव एलिमेंट है, ठीक है, यस सर। गुड। अब इसके बाद हम बोलते हैं कि ब्रांच किसे कहते हैं। इस पूरे सर्किट में कितने ब्रांच हैं अभी देखते हैं। एक जहां जहां जो जो एलिमेंट लगा है वो सब ब्रांच कहलाएंगे। जैसे एक ब्रांच में ये वाला एक ब्रांच हो गया B से लेके C तक, उसमें एक E1 एलिमेंट लगा है, एक्टिव एलिमेंट। फिर C से लेके A एक ब्रांच हो गया जिसमें एक पैसिव रेजिस्टेंस लगा है। A से लेके D के बीच में एक पैसिव रेजिस्टेंस लगा है। A से B भी एक ब्रांच है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और डी से लेके बी भी एक ब्रांच है जिसमें एक एक्टिव एलिमेंट लगा हुआ है। टोटल कितने ब्रांच हुआ फिर? 1, 2, 3, 4 एंड 5, कितने ब्रांचेस हो गए इस नेटवर्क में? फाइव, फाइव ठीक है। तो 5 ऐसे ब्रांचेस आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है ब्रांच, अलग अलग सर्किट में अलग अलग ब्रांचेस रहेंगे, ये चीज़ याद रखेंगे आप, ठीक है। और एलिमेंट्स भी उसके हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये नोड किसे कहेंगे उसको समझते हैं। नोड या जंक्शन, आप लोग सुने होंगे ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो जंक्शन, दुर्ग जंक्शन आ गया है, दुर्ग सर। जंक्शन, रायपुर जंक्शन। रायपुर जंक्शन और दुर्ग जंक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां से एक ट्रेन अलग भी रास्ता निकल रहा है, दो रास्ते निकल रहे होंगे या तीन रास्ते निकल रहे होंगे अलग अलग, तो उसको हम लोग बोलेंगे जंक्शन, ठीक है। लेकिन जैसे भिलाई एक स्टेशन आता है, तो भिलाई में कोई जंक्शन नहीं, कहीं और निकलेगा नहीं, वहां सिर्फ नोड है, वहां सिर्फ गाड़ी रुकेगी और आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, ये सी जो है, क्योंकि ये करंट यहाँ पर आएगा और करंट निकल जाएगा, करंट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, कहीं बट नहीं रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप ये वाले करंट को देखोगे, मान लीजिए ये सी से ए में जो जा रहा है, तो ए में जाने के बाद एक करंट यहाँ चला जाएगा और दूसरा करंट ये डी की तरफ चला जाएगा, होना चाहिए ऐसे ही। सी से लेके यस ए की तरफ अगर सर। मान लीजिए 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो एक करंट कहाँ चला जाएगा? ए से लेके बी की तरफ चला जाएगा इस वाले रेजिस्टेंस में, और एक करंट कहाँ चला जाना चाहिए? ए से डी की तरफ इस रेजिस्टेंस में, है कि नहीं? तो यस सर। इसलिए यहाँ पर बोलेंगे ये क्या काम कर रहा है, एक जंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो नोड और जंक्शन वैसे तो एक
भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नोड भी कह सकते हो आप, लेकिन इस वाले को आप जंक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है? तो ये डिफरेंस है दोनों में। सी को आप जंक्शन नहीं बोल सकते, सी एक सिर्फ नोड है, क्योंकि वहां पर जो भी आने वाली करंट है वो पूरी की पूरी निकल जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन इस पॉइंट में इसको जंक्शन बोलोगे, और जंक्शन में कोई भी करंट आएगा तो वो डिवाइड होगा, एक या दो या तीन जितने भी पाथ मिलेंगे उसमें, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब नेक्स्ट आता है मैश और लूप किसे कहते हैं। उसके लिए जरूरी रहता है हमको करंट का कंप्लीट पाथ देखना, ठीक है? करंट का कंप्लीट पाथ देखना। जैसे एक पॉसिबल लूप ये होगा, मैश और लूप कई बार एक जैसे भी यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उन दोनों में, उसको भी देखते हैं क्या है। लूप किसे कहेंगे, करंट को एक लूप मिलना चाहिए, जैसे करंट को एक पाथ मिलना चाहिए। करंट हमेशा पॉजिटिव से चालू होता है, ये आपको पता है, होता है? यस सर। मान लीजिए E1 से कोई करंट आपने कंसिडर किया, ये ऐसे चालू हुआ, चलना चालू हुआ, इस रेजिस्टेंस में गया, तो इसको दो पाथ मिल रहे हैं, ठीक है? एक तो ये इस वाले रेजिस्टेंस से जा सकता है और यहाँ पर अपना सर्किट ऐसे कंप्लीट कर सकता है, और एक रास्ता ऐसा भी मिल रहा है कि ये यहाँ तक आया, ये आगे बढ़ा, इस यहाँ से गया और ऐसे करके कंप्लीट किया अपना रास्ता, मिल रहा है? यस तो सर। यानी इस तरह समझ यस सर। सकते हैं, आप गाड़ी लेके निकले घर से, ये इस चौराहे पे पहुंचे, तिराहे पे सॉरी, फिर आपको एक रास्ता यहाँ से मिल रहा है, वापस घर यहाँ पहुंच सकते हैं, या फिर ये थोड़ा लंबा घुमा के गाड़ी ले जाएंगे और यहाँ से घर पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो एक कंप्लीट क्लोज पाथ होना चाहिए, ठीक है? प्लस से निकल के वापस उस जगह पे। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं एक लूप ये हो गया पॉसिबल लूप, दूसरा लूप करंट के लिए ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है? और एक लूप और इस वाले के लिए हो सकता है, E2 से अगर कोई करंट मिल रहा है तो वो ऐसा भी जा सकता है, ठीक है? इस वाले सोर्स के लिए। तो हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर सर्किट में तीन लूप हैं, एक तो ये वाला लूप हो गया E1 से एसोसिएटेड, दूसरा ये E2 से एसोसिएटेड लूप हो गया, और एक ये बड़ा वाला लूप हो गया जो दोनों के लिए कॉमन हो सकता है, ठीक है? समझ गया लूप क्या है। लूप वो पाथ है करंट का जो कि बैटरी के पॉजिटिव से होके उसको नेगेटिव तक कनेक्ट करे। बीच में अगर कोई सर्किट ओपन है तो उसे लूप नहीं बोलेंगे हम, ठीक है? ओपन सर्किट में लूप नहीं बनेगा, लूप के लिए क्लोज होना जरूरी है सर्किट का, यानी स्विच हमेशा क्लोज पोजिशन पर रहे, ओपन पोजिशन पे, यानी करंट का फ्लो होना जरूरी है। स्विच ऑफ रहेगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो वैसे हम लूप नहीं मिला मिल सकता उसमें। ओके ओके और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। इसी को हम मैश मैश भी कई बार बोलते हैं, लेकिन मैश के लिए हम ये बोलते हैं कि मैश जो है, हर एक लूप जो है वो मैश नहीं होता, ठीक है? मैश लेकिन लूप हो सकते हैं, कहने का मतलब ये छोटा वाला जो इंडिपेंडेंट लूप मिल रहा है, इंडिपेंडेंट लूप आर मैशेस, और जहां पर ये बड़े वाले को कंसिडर करोगे तो ये बीच वाले रेजिस्टेंस को आपने बाईपास किया हुआ है, इस वाले रास्ते से जाओगे तो इस रास्ते से ये वाले को बाईपास कर दिया आपने, तो जब भी कोई बाईपास वाला रूट है तो उसको हमेशा आप लूप बोलेंगे, उसको मैश नहीं बोल सकते, ठीक है? तो यहाँ पर यही बस डिफरेंस है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैश और लूप हो गया, उसी को यहाँ पर समझाया गया। जंक्शन आपको मैंने बता दिया है, नोड्स बताया, ब्रांचेस बताया, ठीक है? अब आता है टाइप्स ऑफ जो है नेटवर्क क्या होते हैं। तो अभी मैंने बताया था लीनियर एलिमेंट्स, और उसी से बनता है लीनियर नेटवर्क, तो उसी तरीके से नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं और नॉन लीनियर नेटवर्क होता है। अब ये क्या है उसको थोड़ा समझते हैं, व्हाट इज लीनियर और व्हाट इज नॉन लीनियर। थोड़ी देर पहले अभी आपने खुद ही बताया, हमने क्या किया था, यहाँ पर ऊपर देखा था, ये जो रेजिस्टेंस होता है वो V और I के बीच में एक स्ट्रेट लाइन की कैरेक्टरिस्टिक देता है, और लाइन वाली कैरेक्टरिस्टिक अगर मिल रही है तो उसे अब क्या कहते हैं, लीनियर। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि आपको वोल्टेज और करंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन दे, या इसी को दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो स्ट्रिक्टली ओम्स लॉ को फॉलो करे, ओम्स का जो लॉ है उसको अगर फॉलो कर रहा है कोई भी एलिमेंट, तो उसे आप क्या बोलेंगे, लीनियर एलिमेंट। क्या बोलेंगे, लीनियर लीनियर एलिमेंट। एलिमेंट बोलेंगे आप उसे, ठीक है? और वो किसी सर्किट में लगा होगा वैसा एलिमेंट, तो वो सर्किट को वो लीनियर नेटवर्क या लीनियर सर्किट बना देता है, ठीक है? अब एक और आपने देखा होगा, इसे क्या कहते हैं, ये किसका सिंबल है, कभी पढ़ा है क्या, कभी देखा है इसे? सर
यस सर, ट्रांजिस्टर देखा का शायद। है? नहीं, ट्रांजिस्टर तो नहीं है ये। पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन? यस क्या पीएन जंक्शन का नाम है? क्या बोलते हैं पीएन जंक्शन? डायोड। क्या यस ये? सर, यस सर, उसका डायोड है। डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ट्रांजिस्टर में हमेशा थ्री लेग्स रहेंगे, यहाँ पर सिर्फ टू टर्मिनल्स मिल रहे हैं, टू लेग्स हैं, एक और दो, ये डायोड है। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड की आप अगर आपको याद होगा या पढ़ा होगा तो एक कैरेक्टरिस्टिक हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में बनाते थे। यस सर, यस सर। और आपको थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक याद करोगे तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे बन के आती थी, ये देखिए ऐसे। यस सर, ये कहीं से भी स्ट्रेट लाइन यस है क्या? सर, स्ट्रेट लाइन है नो क्या? सर, ये भी नो वोल्टेज सर। और करंट के बीच में प्लॉटेड है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है मतलब ये नॉन लीनियर हुआ। यस सर, लीनियर मैंने यस बोला था, सर, स्ट्रेट लाइन, यस सर, और ये नॉन लीनियर हो गया। तो मतलब डायोड अगर लगा हुआ है इस सर्किट में तो इस सर्किट को आप बोलोगे नॉन लीनियर नेटवर्क। एक भी डायोड अगर आपने लगा दिया है, ठीक है, जरूरी नहीं है, बोलेंगे कि सर इसमें तो बाकी तो रेजिस्टेंस लगा है, एक भी डायोड अगर लग गया इस सर्किट में पीएन जंक्शन डायोड, फॉर दैट पर्पज आप ट्रांजिस्टर भी लगाओगे तो वो भी, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस है, वो भी नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं। जितने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं सभी नॉन लीनियर एलिमेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, जो भी आप सुने वो सब नॉन लीनियर एलिमेंट, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है नॉन लीनियर पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है। तो वो अगर लग गया तो सर्किट को क्या कर देगा, वो नॉन लीनियर बनाएगा, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नॉन लीनियर है और ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, याद रहेगा। यस सर, यस सर। तो ये हो गया लीनियर और नॉन लीनियर। अब आप तो ये हो गया, ये क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। इसमें और नेक्स्ट क्या आता है वो देखते हैं। एक होता है यूनिलैटरल और एक होता है बाईलैटरल। यूनिलैटरल से क्या मतलब समझते हो और बाईलैटरल से क्या मतलब समझते हो? यूनि मतलब एक, बाई मतलब दो होना चाहिए, बोथ। बाई मतलब एक्चुअली बोथ के लिए बोलते हैं, यूनि मतलब वन, है ना, एक यूनि और बाई मतलब बोथ, या दो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कई जगह दो के लिए कई जगह बोथ के लिए यूज होता है। तो अब यूनिलैटरल मतलब एक डायरेक्शन में, ठीक है, और बाइलेटरल मतलब दो डायरेक्शन में, याद रहेगा। yes, वापस sir. चलते हैं और यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ये रेजिस्टेंस है एक, और रेजिस्टेंस में से हम देख रहे हैं सी से ए की तरफ एक करंट 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, और मान लीजिए कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बोला मैंने? 10 ओम। और इसमें से करंट जो फ्लो रहा है वो कितने एम्पियर का हो रहा है? क्या दिख रहा है? 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर चाहे सी से ए की तरफ फ्लो हो या ए से सी की तरफ फ्लो हो, मतलब उल्टा फ्लो, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है हमेशा 10 ओम बनी रहेगी। क्या चेंज हो रही है? होगी? नो सर। हाँ, अगर ये रेजिस्टेंस 10 ओम तो 10 ओम ही बना रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। बट अगर इसके जगह आप ये डायोड लगाते हैं तो डायोड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक डायरेक्शन में वो करंट को कंडक्ट करता है लेकिन दूसरे डायरेक्शन में वो करंट को कंडक्ट नहीं करता। यानी जो एरो दिख रहा है ना, एरो हेड, इसका सिंबल इसीलिए ऐसा बनाया गया है, एरो हेड जो दिख रहा है उस डायरेक्शन में करंट तो फ्लो होगा, जैसे कि फॉरवर्ड बायसिंग आप कहते हैं, ठीक है। और अगर उल्टे डायरेक्शन से करंट आ रहा है जिसको रिवर्स बायसिंग कहते हैं, यानी ये वाला डायरेक्शन, तो यहाँ करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा, यानी बैरियर है ये बैरियर जो है वो ब्लॉक कर देगा। यस सर। इसका मतलब इस डायरेक्शन से, यानी इस वाले, इसमें जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी जो वैल्यू है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत कम है, और वही जब ये उल्टे डायरेक्शन में देखोगे तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा। अगर करंट जीरो होने हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, मतलब करंट जीरो कब होता है, जब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और करंट, और करंट अगर पूरा फ्लो हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? जीरो।
यही देखे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट फेजेस में। तो ये समझ लीजिए इधर वाले करंट के लिए ओपन सर्किट है ये रेड वाले डायरेक्शन में, और ये ब्लैक वाले डायरेक्शन के लिए ये शॉर्ट सर्किट है, डायोड ऐसा एक्ट करता है आइडियली। ठीक है जी, इसका मतलब इसका जो बिहेवियर है वो एक डायरेक्शन में कुछ है और दूसरे डायरेक्शन में कुछ है, इसीलिए इसे यूनिलैटरल डिवाइस कहते हैं। क्या बोलोगे इसे? यूनिलैटरल डिवाइस या यूनिलैटरल एलिमेंट बोलोगे। और ये किसी सर्किट में लगा है तो उसे बोलेंगे यूनिलैटरल सर्किट या यूनिलैटरल नेटवर्क। लेकिन जहां पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस को कि दोनों डायरेक्शन में करंट को एक ही जैसा रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो वो क्या है? बाइलैटरल एलिमेंट। तो रेजिस्टेंस जो है अपने आप में लीनियर भी है और बाइलैटरल भी है, और डायोड जो है वो यूनिलैटरल है और नॉन लीनियर है। याद रहेगा? यस सर। गुड। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, ये सारे टाइप के सर्किट को यहाँ पर कवर कर लिया। तो जितने इतने टाइप के सर्किट आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से जनरली इस पूरे इसमें यूनिट में हम लोग पूरा जो देखेंगे वो सिर्फ आपको कौन कौन से सर्किट मिलेंगे, एक्टिव सर्किट मिलेगा, लीनियर सर्किट मिलेगा और बाइलेटरल सर्किट मिलेगा। इसमें डायोड हम लोग इस वाले यूनिट में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग उसे यूनिट 4 में पढ़ेंगे। अब बताइए आप लोग की तरफ से कोई क्वेश्चन है क्या आज के लेक्चर से रिलेटेड, कोई कन्फ्यूजन?